दीदी, मैंने तुम्हें देख लिया था चीरो, तुम बहुत तेजी से उड़ा रहे हो। अब ये कहने की कोशिश मत करना कि ये झूठ है। पर इससे बहस मत करो चीरो, वापस आ जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त हो गया है और तुम्हें एस्ट्रो ज्योमेट्रिक थ्योरेटिकल फिजिक्स स्टडीज फिर से करनी है। अकेले ये करतब तुम्हारे कोई काम के नहीं है। ओके चीरो आउट। एक सेकंड रुको, ये क्या चीज है? और मुझे चीरो को उनका लीडर बना दिया गया। हमारा काम शुगासुम शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। जवान, मैं चीरो हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई स्पेस बॉय। मैं सरथाना हूँ और ये मेरी बहन है कॉर्लियन। तुम बहुत बहादुर हो चीरो। थैंक्स। वैसे वो मॉन्स्टर तुम दोनों का पीछा क्यों कर रहा था? उस मॉन्स्टर ने हमें गुलाम बनाकर रखा था। वो 24 घंटे हमसे काम करवाता था। हम उसका हर हुक्म मानने के लिए मजबूर थे। हम उससे आजाद होना चाहते हैं। हाँ, अब तुम आजाद हो। थैंक यू। गर्ल्स, इस तरह प्लेन चलाना बहुत मुश्किल है। उप्स, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, वो मॉन्स्टर हमें गंदा खाना खाने पर मजबूर करता था। चलो मैं सुपर रोबोट के पास ले चलता हूँ, वहाँ तुम मंकी टीम से मिल सकती हो। मंकी टीम? अंडारी टू चीरो, कम इन चीरो। ओह, हे अंडारी, क्या बात है? कहाँ हो? अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? यहाँ सब कुछ ठीक है। चीरो प्लीज, किसी से कुछ मत कहना। पर उनके गुलाम हो तो शायद तुम मजबूर हो। चीरो, सब कुछ ठीक है ना? अंटारी, मैं आ रहा हूँ। सिग्नल कमजोर है, कॉन्टेक्ट टूट रहा है। लगता है उससे हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया है। ये मेरा वहम है या वाकई मैंने दो लड़कियों के हंसने की आवाज सुनी? ओह नो, वो जरूर किसी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि कुछ अजीब सी बात हो रही है। जीरो के आखिरी ट्रांसमिशन का मुआयना करो। जीरो
क्या कोई यहाँ है? हम नुकसान पहुँचाने नहीं आए। स्वागत है, मैं सर्कस हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटियों की तलाश में आया था पर मुझे देर हो गई। वो किसी नौजवान लड़के के साथ भाग गई हैं। क्या जीरो ने हमसे झूठ कहा? लेकिन वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? पर इस वक्त मैं ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि जीरो के दिमाग में क्या चल रहा है। शायद मैं जानता हूँ क्या चल रहा है, लेकिन वो आखिर कहाँ गए होंगे? यकीन करो सर्कस, हम जीरो और आपकी बेटियों को ढूंढ लेंगे। ऑटो, गैलेक्टिक ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट करके जीरो के प्लेन का पता लगाओ। मुझे पता चल गया वो कहाँ है। लगता है मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, पर क्या मैं भी आ सकता हूँ? हम पर यकीन कीजिए सर, हम सब संभाल लेंगे। आने दीजिए एंटावरी, आखिरकार वो इनकी बेटियाँ हैं। इन्हें आने का हक है। मैं अपनी पत्नी को बता देता हूँ कि हमारी बेटियाँ मिल गईं। मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ? हमें जगह का पता चल गया। फिक्र मत कीजिए सर्कस, हम उन्हें पकड़ते हैं। हे सर्कस, सुनिए, मैं ये कहने आया हूँ कि जीरो एक अच्छा लड़का है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। शानदार प्लेन है, साथ में दो सुंदर लड़कियां हैं। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करे। अपने दिल की बात सुनो दोस्त। तुम बहादुर हो या मंकी हो? तुम भी कैसे सवाल पूछ रही हो? भी हो, छोड़ो। तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं लड़के। उन्हें छोड़ दो वरना। वरना क्या? मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। Oh!
दिया। अब मैं क्या कहूँ, मैं बस ऐसा ही हूँ। तो अब हम कहाँ चलेंगे? जहाँ तुम दोनों चाहो, मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। जानती हो सिस, मुझे लगता है ये एक शानदार इनाम का हकदार है। मेरे ख्याल से तुमने ठीक कहा सिस। जरा ये बताओगे कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो नौजवान? मैं वापस आ रहा था। तो शायद तुम हमें ये बताने की तकलीफ करोगे कि तुम इन लड़कियों के साथ स्पेस स्टेशन से क्यों भाग गए? हाँ, एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि? सरथाना और कॉर्ली रैन के डैड हमारे साथ है। चीरो चीरो, इनकी बातों में मत आओ, ये हमारे डैडी नहीं है। देखो बच्चियों, तुम शांत हो जाओ, हमारे मामले में तुम इन्हें क्यों घसीट रही हो? ये डैडी जैसे दिखते हैं पर है नहीं, ये मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर? ये क्या कह रही है? अब मैं तुम दोनों को सबक सिखा कर रहूंगा। मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता, पर मैं इन लड़कियों को लिए बिना नहीं जाऊंगा। तब तो तुम मेरे हाथों का कमाल देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैग्ना चिंगला ब्लास्ट। लेडी टोमहॉक। मंकीज मुसीबत पे है। हम वापस नहीं जा सकते, हमारे आजाद होने का बस यही मौका है। नहीं, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। इस एनर्जी फील्ड को तोड़ने के लिए मुझे इसे स्कैन करने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को आजाद करने का रास्ता ढूंढना होगा। बस बहुत हुआ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम नहीं जीत सकते। सावधान, उड़ती हुई अनजान चीज आ रही है। पहले ही क्या कम मुसीबतें हैं कि कुछ और आ रही है? सुपर रोबोट सेल्फ डिफेंस एक्टिवेट। लड़के, तुम मुझे मेरी बेटियों को घर क्यों नहीं ले जाने दे रहे? मैं इन्हें मिस करता हूँ, सच कह रहा हूँ। डैडी, मुझे और तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये वाकई इनके डैडी हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम लड़कियों के डैडी पर हमला कर रहे थे? हम भागने के लिए मजबूर थी, आप हमेशा हमें टोकते रहते थे, इसलिए तुम उस लड़के के साथ भाग गई जिसे हम जानते तक नहीं। पता है मैंने तुम्हारी आंट्स और अंकल्स और कजन्स को तुम्हारे पीछे फ्लाई इन रेस्टोरेंट में क्यों भेजा? समझ में नहीं आ रहा मैं बुद्धू कैसे बन गया। पर दोस्त, लगता है लड़कियां तुमसे काफी इम्प्रेस हो गई हैं। अंकल बोटा का चौथा हाथ मास्टर में है, कजन डीट्रॉक पर तुमने जो खाना फेंका था उससे उन्हें जख्म हो गए हैं। तुम जानती हो उन्हें फास्ट फूड से एलर्जी है। सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, कजन डीट्रॉक से कहो। तुम दोनों घर से क्यों भाग गई थी? हम एक बार बाहर जाकर मजे करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि हमारी शक्तियाँ काम करती हैं या नहीं। शक्तियाँ? हाँ, रूप बदलने की हमारी शक्ति पूरी हो रही है। बिल्कुल डैड और हमारे रिश्तेदारों की तरह। मुझे बस तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। तुम जानते नहीं गैलेक्सी बड़ी खतरनाक जगह है। हम आपको बहुत चाहते हैं डैडी। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, चलो अब घर चलें। जो हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। हे, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है हम क्यूट हैं? हाँ, मैं इनकार कैसे, नहीं, तुम दोनों बहुत बहुत क्यूट हो। थैंक्स चीरो। तुम्हें लड़कियों को एंटरटेन करना अच्छी तरह से आता है।
बाय चीरो। थैंक्स चीरो। हम तुम्हें मेल करेंगे। घर पहुंचकर भागने की अच्छी सलाह मिलेगी तुम्हें। चीरो बचाओ, हम पर जुल्म हो रहे हैं। सॉरी टीम, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं चीरो, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हाँ, इस नादानी से एक्सीडेंट और कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं। आप मुझे ये बात कभी भूलने नहीं देंगे है ना? शायद नहीं, पर मैं समझता हूँ। दो लड़कियाँ। मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, मैं होता तो मैं भी। चुप रहो स्पार्क्स, तुमने बिल्कुल स्टाइल नहीं है। ओके, अपना फैसला सुनाइए। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें ये सबक सीखना जरूरी था, लेकिन मेरा ये मानना है कि लड़कियां सृष्टि की सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी पहेलियां होती हैं। हाँ, ठीक कहा। आप